राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हमारे साथ हैं। उनसे आज बात करेंगे कि क्या देश की परिस्थिति है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, आपने उसमें बड़ी लड़ाई लड़ी, अब आगे की क्या स्थिति है? रामराज्य की, राम मंदिर का भव्य निर्माण हो गया, रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। इस प्राण प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी खूबी ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कम से कम 120 करोड़ लोगों के प्राण गए होंगे। शेष आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन हो सकता है कई लोग नहीं मानते हों इन बातों को। 120 करोड़ लोगों के प्राणों से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके मोदी जी ने जिसका प्रतिनिधित्व किया है। अब रामराज्य की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, क्योंकि रामराज्य का मतलब है जहाँ डिस्पैरिटी ना हो, भेदभाव ना हो, सबको समानता से जीने का अधिकार हो, सबका सम्मान हो। ये रामराज्य की विशेषता थी, इसलिए गांधी जी ने रामराज्य की बात कही थी। सस्ता इलाज, सस्ता न्याय, सस्ता कपड़ा, सस्ता अनाज और आलोचना का सम्मान, क्योंकि एक कॉमन मैन की क्या धारणा है राज परिवार के बारे में, इसका भी महत्व था भगवान राम के लिए। तो इसलिए उस आदर्श रामराज्य को हम अब देश में स्थापित करने की ओर बढ़ें। सो अब दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामराज्य की। मथुरा काशी को लेकर भी लगातार आंदोलन चलते रहे, अब आगे की क्या स्थिति है, उसको लेकर आप लोगों की क्या रूपरेखा है? हमारी कोई रूपरेखा नहीं होती थी, सब मिलके फैसला करते थे, एक अभियान बनता था, उस पर भागीदारी करते थे। अयोध्या में अभियान 500 साल से चला। यहाँ एक कठिनाई थी कि प्रमाण धरती के अंदर थे, जिनने 6 दिसंबर को ढांचा गिरा दिया, मैं उनको यहाँ से सल्यूट करूँगी। मुझे नहीं पता वो कौन लोग थे, कि अगर उनने ढांचा ना गिराया होता तो पुरातत्व तो विभाग की औकात नहीं थी वहाँ खुदाई करने की, उस ढांचे को वो गिरा ही नहीं सकते थे, तभी ना वो हो सका। लेकिन मथुरा और काशी में तो ढांचा गिराना ही नहीं है, सबूत ढांचों में ही दिख रहे हैं कि ये मंदिर है। श्रृंगार गौरी की पूजा तो मैंने स्वयं की है 93 तक। तो इसलिए अब ये दोनों मामले सब जुड़े हैं, मुझे इसके लिए किसी अभियान या आंदोलन की जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि प्रमाण सामने मौजूद हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, साक्ष्य सामने मौजूद है। लेकिन मामला अदालत में है, लेकिन एक चीज़ है जो अदालत में नहीं है, वो है उमा भारती की आस्था कि मुझे मथुरा और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण देखना है। इसका फैसला अदालत नहीं करती, मेरा दिल करता है कि मुझे वहाँ मंदिर देखना है, और भव्य मंदिर का निर्माण मुझे अपने जीवन काल में वहाँ देखने के लिए मिले, ये मेरी इच्छा है। आप केंद्र सरकार में मंत्री थी, गंगा को लेकर भी आपने बड़ा काम किया है, फिर गंगा समग्र अभियान को लेकर आपने वहाँ से केंद्र सरकार से दूरी बनाई और इस अभियान को लेकर आगे बढ़ी। गंगा की अभी स्थिति क्या है और फिर आगे की आपकी रूपरेखा क्या है, कि मतलब सरकार में फिर वापसी जाएंगे, 2024 का चुनाव हो रहा है, आगे की क्या रणनीति है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। गंगा की स्थितियों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी अभी, क्योंकि चुनाव सामने हैं। बिल्कुल, चुनाव खत्म होते ही मैं इस पर बात करूँगी। 2017 में मेरे जाने के बाद में गंगा वहीं ठहरी हुई है। बिल्कुल, तो इसलिए मैंने आज ट्वीट किया है, एक्स किया है, वो अभी आने वाला है, कि मैं, क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने पार्टी नेतृत्व को दिल्ली में कह दिया है कि आप मुझे ये ध्यान में रख कर के ही चुनाव लड़ाने का फैसला करिएगा, कि मैं गंगा के अलावा किसी काम में नहीं लगूँगी, इसलिए मैं शायद चुनाव क्षेत्र को भी समय नहीं दे पाऊँगी। मुझे आने वाले 2 साल में गंगा के कार्य को संपूर्ण करके देना है। उसका कारण मैं ईटीवी को याद दिला रही हूँ, ईटीवी के माध्यम से पूरी दुनिया को, कि राम रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। बिल्कुल, और रघुकुल के जो मूल पुरुष थे भागीरथ, वही गंगा को धरती पर लाए थे, इसलिए रामलला बैठे हैं, अब वो ऐसे ही खुशी से बैठे रहे तो उनको एक अविरल और निर्मल गंगा का उपहार देना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव है, अगले हफ्ते उम्मीद जताई जा रही है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति देखती हैं? तमाम सारे गठबंधन दल भी एक हुए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल बिहार में नीतीश आए हुए हैं, प्रयोग हो चुके हैं, सब प्रयोग हो चुके हैं, यहाँ पे हम 80-80 सीटें जीतेंगे। तो ये थी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती जी, जिन्होंने कहा कि अब मथुरा काशी का जो जहाँ तक विषय है वो कोर्ट में चल रहा है, और जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है, तमाम दलों का जो गठबंधन हो रहा है वह सब पहले भी हो चुका है और फ्लॉप हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी 80 लोकसभा सीट जीतने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ धीरज त्रिपाठी, ईटीवी भारत, लखनऊ।